Hello dear student, this is Mansur and you're watching technical preparation. So I am here again with a new concept. कैसे हैं सभी लोग और आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रिपरेशन। तो घर में बैठकर बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, समय का अच्छे से उपयोग करिए। जहां भी ट्रेड थ्योरी में परेशानी आ रही है आप कमेंट करिए, आंसर देने के लिए मैं बैठा हूं। यानी कि इस बेहतरीन तरीके का हम अच्छे रूप से इस्तेमाल कर लें, घर ही में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करिए और कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज मैं आपको एक रिविजन पॉइंट, क्विक रिविजन वीक के हिसाब से आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूं, जिसकी हम बहुत ही बारीक से चर्चा करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट में आपको जो है मेन कॉन्सेप्ट और मेन टॉपिक विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ क्विक रिविजन के लिए आप तैयार हो जाओगे किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे कि आपके जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। तो चैप्टर वाइज चलने वाला है सब कुछ, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने कंटेंट के साथ कि इस सेशन में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं और किस हिसाब से करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं नोट कराऊंगा आपको, साथ साथ लिखते रहेंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं कंटेंट के साथ। यहाँ पर सबसे पहले बिल्कुल बारीक से चलेंगे और एक एक टॉपिक को साथ साथ कवर करेंगे। बस मैंने समझाना है और आपने समझना है, बने रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए। तो यहाँ पर साथ साथ आपको नोट करना है। तो ये सबसे पहले कंटेंट में होंगे सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, यानी सुरक्षा एवं सावधानी। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में बोल रहा हूँ, तो आपको फटाफट से सुनना है और नोट करते चलना है। बेशक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर सेकंड नंबर पर है इलेक्ट्रीशियन टूल, यानी कि हमारे ट्रेड संबंधी जितने भी औजार होते हैं उसके बारे में समझना है। थर्ड नंबर पर है प्रारंभिक विद्युत, डीसी थ्योरी एंड रेजिस्टेंस। मैंने कुछ चैप्टर्स को कंबाइन कर दिए हैं ताकि नंबरिंग ज़्यादा ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा क्योंकि ये हमारा रिविजन सेशन है। तो यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड डीसी थ्योरी एंड रेजिस्टेंस, इसमें ही पढ़ते हैं ना सीरीज पैरेलल और ये कुछ अपना ओम की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं ना। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो अपना सेल एंड बैटरी वाला चैप्टर होता है उसको मैंने बना दिया है केमिकल इफेक्ट, यानी कि विद्युत के रासायनिक प्रभाव। अब यहाँ पर आपको नंबर फिफ्थ पे दिख रहा होगा मैग्नेटिज्म, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसका क्या मतलब है कि चुंबकीय और विद्युत चुंबक से संबंधित जो भी हमारा चैप्टर है मैग्नेट वाला। और उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत, और मैंने इसी के साथ पॉलीफेज को भी जोड़ दिया है, बहुकला वाला जो चैप्टर है। और इसके बाद अपना नेक्स्ट है अर्थिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा भी जाता है। तो अर्थिंग में दो तरह की अर्थिंग पढ़ेंगे हम, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग क्यों आवश्यक है इस तरह से। और उसके बाद जो अपना नेक्स्ट स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा बहुत ही जो है कई बारीक से पढ़ने वाला चैप्टर है, और मैंने इसमें दोनों ही मेंशन कर दिए हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसके बाद नंबर 9 पर है डीसी मशीन, दिष्ट धारा की मशीन। इसमें डीसी मशीन में मैंने चैप्टर को कंबाइन करके आपको रिवीजन कराऊंगा, जिसमें कि डीसी मोटर भी होगा और डीसी जनरेटर भी होगा। दोबारा देखिए, ये जो मैं आपको रिवीजन कराऊंगा इसमें डीसी मोटर भी होगा और डीसी जनरेटर भी होगा। उसके बाद अपना है ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर, ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही है यार। उसके बाद अपना चैप्टर है एसी मशीन, प्रत्यावर्ती धारा पर जो मशीनें काम करती है। मैंने इसमें मोटर और जनरेटर कंबाइन कर दिया है, मोटर में आपका सिंगल फेज, थ्री फेज, सिंक्रोनस मशीन भी आ जाएगा उसके बाद, वो वैसे सेपरेट चैप्टर है लेकिन आना इसी में है। और उसके बाद अल्टरनेटर जो है वो मैंने एसी मशीन्स के साथ ही रख दिया है, एसी जनरेटर को अल्टरनेटर हम कहते हैं। इल्यूमिनेशन, प्रदीपण, प्रदीपण इसको हिंदी में कहते हैं, जिसमें हम सभी तरह के लैंप, लाइट, उसके वर्किंग सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। डोमेस्टिक एप्लियंस, घरेलू उपकरण भाई, प्रेस, गीजर और इस तरह के जो अपने हीटिंग उपकरण होते हैं वो सारी चीज़ें। GDTP, ये क्या लिख दिया सर, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। दोबारा सुनिए, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यानी जो हमारा
विद्युत के बनाने से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी फैक्टर हैं वे सभी इसमें आने वाले हैं। उसके बाद अपना है वायरिंग और वाइंडिंग, वायरिंग और वाइंडिंग ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि ये बहुत ही मतलब थोड़ा बेसिक तरीके से हम छोटी छोटी जानकारी ले लेंगे जितना कि हमें ज़रूरत होता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको साथ साथ आपने नोट किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपकी क्लास होने वाली है ये एक तरह की रिविजन सेशन है, इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, ये बहुत ही शॉर्ट वीडियोस के रूप में आपको मिलेगी। और बहुत अच्छी बात ये होने वाली है कि जो भी चैप्टर चल रहा होगा ना, यदि आपको लगेगा कि मुझे इसी समय इसकी बारीक जानकारी भी चाहिए तो आप अपना कमेंट सेशन में लिखेंगे और वो आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सेशन में आपको वो पूरा कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। यानी कि ये मत समझिएगा कि सर ने शॉर्ट में निपटा दिया, भाई वीडियो आपको पूरी मिलनी है, पूरे टॉपिक की मिलनी है, पूरी बुक की मिलनी है। लेकिन ये मैंने एक छोटा सा रिवीजन सेशन बनाया है, दोबारा समझिए रिवीजन सेशन का क्या मतलब होता है कि आप सबने पढ़ रखा है या फिर आपको एक बहुत ही छोटे से समय में यानी शॉर्ट टाइम में आपको पूरी जो है किताब कवर अप करनी है, तो ये उसके लिए मेरा सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है। एक नियमित समय पर आपको वीडियो मिल जाएगी और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहेगी। लेकिन हाँ, मेरे कराने से ही नहीं होगा, आपको भी अपनी तरफ से पूर्ण समय देना होगा, समय तो है ही ना। तो इस तरह से पढ़ते रहिए और अपना भी ध्यान रखिए, अपने साथ साथ अपने आसपास का भी ध्यान रखिए। मैं हूँ आपका अमन सर और अब से आपकी क्लास जो है रेगुलर रिवीजन सेशन की चलने वाली है, तो उसको देखेंगे भी, अपनी समस्या को कमेंट भी करेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि जैसे आमने सामने से क्लास चल रही है, वैसे ऑनलाइन क्लास हो रही है ये, तो यहाँ पर बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली है। मैं गारंटी देता हूँ कि सारे टॉपिक्स को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे हम रिवीजन की तरह। तो देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन, मैं हूँ आपका अमन सर और बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहिए।